हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक। मैं हूं परवीन और आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूं मीशो के वेस्टर्न वियर टॉप्स एंड ड्रेसेस का हॉल, जो कि बहुत प्यारा है। मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे सर्च करके आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हुए हैं। तो मैंने इसके पहले आप लोगों के लिए शेयर किया हुआ था मीशो का टॉप्स एंड जंप सूट का हॉल, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जा करके उसे एक बार चेकआउट कर सकते हैं। वो भी बहुत प्यारा हॉल था और आज का जो हॉल है ये भी बहुत प्यारा होने वाला है। तो ज़रा भी देर ना करते हुए हॉल को शुरू करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है और आपको अगर आपके परचेज में हेल्प करता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो आज मेरे पास ये है पहला टॉप, ये पीच कलर में है। ये फ्रंट से राउंड नेक है, ये एक डिज़ाइनर टॉप है। ये इसकी जो स्लीव है ये बेल स्लीव है, बहुत से लोग इसे अम्ब्रेला स्लीव भी बोलते हैं, ये बेल स्लीव है। फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, किसी क्रश वाली जो फैब्रिक आती है ना वैसी है ये, जो थोड़ी थोड़ी क्रश टेक्सचर वाली होती है उस तरह की है। अच्छी है, स्मूथ है, सॉफ्ट है। और इसका जो बैक साइड का पोर्शन है ये आपको एक डिज़ाइनर लुक देता है। जो लोग इस तरह के टॉप्स पहनना पसंद करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ बैक साइड पे ऊपर की तरफ नेक पे आपको एक पतली सी सेम फैब्रिक की पट्टी मिल जाती है। स्ट्रिप ये है इसकी डिटेलिंग। और ये आप देख पा रहे हैं पीछे से ये पूरा ओपन है, बस यहाँ से आपको ये एक नॉट मिल जाता है जिससे यहाँ पे दोनों साइड में आपको ऐसे गैदर्स बन जाते हैं। और ये आपके बैक साइड के पोर्शन को होल्ड करके रखने के लिए भी काम करता है। और ऊपर की तरफ भी आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से ओपन है, ये ऊपर की तरफ भी ऐसे ओपन है। तो ऊपर का जो पार्ट है ये वाली जो स्ट्रिप है ये होल्ड करके रखता है नेक के पास, और जो ये सेंटर पे ये जो नॉट है ये होल्ड करके रखता है आपके पूरे पार्ट को। तो आप देख पा रहे हो ये बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत है। जो लोग इस तरह के टॉप्स पहनना पसंद करते हैं उनके लिए बहुत ही प्यारा है ये। और नेक्स्ट है मेरे पास ये ब्लैक कलर की ड्रेस, बहुत खूबसूरत है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे ये स्ट्रेचबल फैब्रिक लगी हुई है शोल्डर पे। ये जो आपको स्ट्रिप मिलती है ये स्ट्रेचबल फैब्रिक है और ये पैडेड है। यहाँ पे आप देख पा रही होंगी कि ये दोनों साइड से पैडेड है तो आप कंफर्टेबल रहेंगे। मुझे हल्की सी थोड़ी सी डिफेक्टिव रिसीव हुई है, बहुत हल्का सा यहाँ पे जो सिलाई है इसकी स्टिचिंग थोड़ी सी खुली हुई है, तो वो मैं बना लूँगी या फिर एक्सचेंज कर दूँगी, तो वो कोई इशू नहीं है। बट क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। ये डबल फैब्रिक यहाँ पे लगी हुई है बस्ट लेवल पे, और ये नीचे यहाँ पे आपको वेस्ट लाइन पे ऐसे बेल्ट मिल जाती है। और नीचे की तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ नी लेंथ की आपको ये अंदर से ये सेम फैब्रिक जो ऊपर के पार्ट में ये लगी हुई है, लाइक्रा आई थिंक है, ये स्ट्रेचबल फैब्रिक है। तो ये नीचे आपको एक बेस मिल जाता है और यहाँ से जैसे कि प्रिंसेस वाली जो फ्लेयर वाली ड्रेसेस आती हैं उस तरह से यहाँ से आपको दोनों तरफ से ऐसे अलग से शिफॉन की लेयर मिल जाती है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है वेस्ट लाइन से और बैक की तरफ लंबी होती जाती है, जैसे वेडिंग गाउन्स वगैरह में होते हैं जैसे उस तरह से। तो इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी और इसका प्राइस एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट ये आई थिंक 500 समथिंग नियर अबाउट की है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग भी मुझे अच्छी लगी ये और इसकी क्वालिटी भी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आप अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। पीछे की तरफ आपको ये बांधने के लिए ऐसे डोरी मिल जाती है कि अगर आपको लूज़ होती है बाई चांस तो आप बैक साइड से इसे टाई कर लीजिए। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि मैं वेस्टर्न वियर नहीं पहनती हूँ, तो इस वजह से इसका ट्राई ऑन जो मैं करूँगी या भी जो भी वेस्टर्न वियर का ट्राई ऑन मैं दूंगी ड्रेसेस का या फिर गाउन्स वगैरह का, तो मैं या तो ऊपर टॉप पहन लूँगी और नीचे जीन्स की पैंट वगैरह पहन करके ही मैं इसका ट्राई ऑन दे पाऊँगी। तो प्लीज़ या तो इस तरह से मैं ट्राई ऑन दूँ, अगर आपको नहीं उस तरह से पसंद आता तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं ट्राई ऑन नहीं करूँगी। बाकी मैं आपको रिव्यू प्रोडक्ट कैसा है और आप प्राइस वगैरह क्या है मैं उसका रिव्यू आपको शेयर कर दूँ। इसके बाद है मेरे पास ये वाला ड्रेस, ये बहुत ही प्यारा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रिसीव हुई है मुझे। जब मैंने इसका बॉक्स ओपन किया तभी देख करके मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट ये इसका आया है। ये है देसी गर्ल, इसका
टैग लगा हुआ है, इसका ब्रांड है देसी गर। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और कलर कॉम्बिनेशन वगैरह बिल्कुल वैसा ही है जैसा इमेज में शो हो रहा था, थोड़ा भी कुछ भी चेंज नहीं है। और इसकी क्वालिटी फैब्रिक की बहुत अच्छी है। और अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल, 568 रुपीज़ की है ये। ये ड्रेस बहुत प्यारी है, इसकी प्राइस वर्थ है। अब देख पा रहे हैं कि नीचे की तरफ पूरी फ्लेयर, ढेर सारी फ्लेयर है। ये प्लीटेड है, जो प्लीटेड वाली फैब्रिक इस समय ट्रेंड में है, इस तरह की ड्रेसेस वगैरह बहुत ट्रेंड में है प्लीटेड फैब्रिक की या प्लीटेड स्लीव्स की। तो ये प्लीटेड है पूरा नीचे की तरफ, और ये ऊपर का जो पार्ट है ये कॉलर में के शेप में है, कॉलर बना हुआ है यहाँ पे इस तरह से, आप देख पा रहे हैं फ्लैप जैसे है बट ये पॉकेट वगैरह नहीं है, कॉलर जैसा यहाँ पे लुक दिया गया है। स्लीव्स इसकी केप स्लीव है, ये पॉकेट नहीं है, बस ऐसे इसका फ्लैप बस बना हुआ है। फ्रंट से ये पूरी तरह से ओपन है, सिल्वर सिल्वर की ऐसे यहाँ पे बटन लगी हुई है, ओपनेबल है ये। आप जितना चाहें यहाँ से नेक के पास जितना ओपन करना चाहें ओपन करके पहन सकती हैं, नीचे की तरफ से जितना आप ओपन करना चाहें ओपन करके पहन सकती हैं। लुक वाइज भी पहनने पे बहुत प्यारी लग रही, मैं यहाँ पे ट्राई ऑन लगाऊंगी तो आप देखिएगा बहुत प्यारी है ये। मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है, क्वालिटी वाइज और प्राइस वाइज बहुत अच्छी है और बहुत ही प्यारी है। इसकी क्वालिटी वगैरह में कोई इशू नहीं है, बहुत ही अच्छा है, कम्फर्टेबल, आप इसे बाय कर सकते हैं। इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिए। इसके साथ ही साथ मुझे मिला था ये बेल्ट, फैब्रिक की है ये बेल्ट, आप चाहें तो इसे वेस्ट पे टाई करिए। ग्रीन कलर की ड्रेस, ये भी प्लीटेड वाली फैब्रिक की ही है। इसके इमेज मैं यहाँ पे लगा दूंगी तो आप देख लीजिएगा, उसमें ग्रीन थोड़ा अलग तरह का ग्रीन था बट मुझे जो रिसीव हुआ है वो अलग ही ग्रीन है, बट ये कलर भी प्यारा लग रहा है ग्रीन। यहाँ पे दो लेयर बनी हुई है, रफल्स की दो लेयर है ऊपर की तरफ। ये नेक पे आपको ये इलास्टिक यहाँ पे लगी हुई मिल जाती है जिससे आप ऑफ शोल्डर करके इसे पहन पाएंगे, और यहाँ पे शोल्डर पे टू स्ट्रिप है, इसे आप लूज टाइट करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग लूज या टाइट कर सकती हैं। और यहाँ वेस्ट पे भी आपको इलास्टिक मिल जाती है जो आपके कमर पे अच्छे से फिट हो जाए। और ये नीचे की तरफ पूरी प्लीटेड वाली फैब्रिक लगी हुई है, और लेंथ इसकी काफ़ी अच्छी है, मुझे पहने पे ये फ्लोर लेंथ की आ रही थी। इसका लुक भी बहुत प्यारा है। ये है 706 या 709 रुपीज़ की, तो प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन्होंने क्वालिटी वैसी प्रोवाइड कराई है तो फिर 700 भी वर्थ है इसके लिए। और अंदर की तरफ आपको नी तक की लेंथ की इनर लगी हुई मिल जाती है ऐसे लाइक्रा वाली फैब्रिक की, सेम फैब्रिक की ही बेल्ट है ये, इसे भी आप फेस पे यूज़ कर सकती हैं। तो आज था गाइज ये मेरी तरफ से टॉप एंड ड्रेसेस का हॉल। तो अगर आपको मेरा हॉल पसंद आता है, मेरे रिव्यू पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर आपके परचेज में हेल्पफुल है तो उसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।